शारदा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के प्रतिष्ठित संस्थान हिंदुस्तान कॉलेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भारत रत्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के जन्म दिवस को इनोवेशन डे के रूप में मनाया गया। इनोवेशन डे 2017 में तकनीकी मॉडल्स एवं सह विज्ञान प्रदर्शनी प्रतियोगिता में आगरा एवं मथुरा के 35 माध्यमिक स्कूलों के 750 छात्रों ने 130 साइंस मॉडल्स प्रदर्शित किए। साथ ही विभिन्न कॉलेजों के इंजीनियरिंग एवं साइंस ग्रेजुएट्स ने 80 चलित एवं अचलित साइंस मॉडल्स वरिष्ठ स्टॉल्स पर प्रदर्शित किए। इस अवसर पर मुख्य अतिथि EDRDI आगरा के निदेशक श्री देवाशीष चक्रवर्ती थे। छात्रों का हर्षोल्लास, प्रतिभा और विज्ञान के प्रति अभिरुचि का ये अद्भुत नजारा था। सर, ये APJ अब्दुल कलाम जी का पोर्ट्रेट है। इसको सर बनाने में मुझे 16 आवर्स लगे हैं। इस टोटल पोर्ट्रेट में 3001 टाइम्स मैंने उनका नाम लिखा है। या आपने किस चीज का मॉडल तैयार किया है? इसका जो मेन एम है वो पार्किंग के वक्त है। अच्छा, पार्किंग सेंसर है। मैं अपनी कार पार्क करना चाहती हूँ और मैं पीछे कर रही हूँ अपनी कार को, तो कभी कभी लैक ऑफ प्रॉपर जजमेंट की वजह से मेरी कार उस वॉल में टकरा जाती है। ये हम अपने घर में भी बना सकते हैं। यस, बहुत खूब, बहुत खूब। या आपने किस चीज का मॉडल तैयार किया है? ये हमने जीरो क्रॉसिंग रोड इंटरसेक्शन बनाया है, जिसमें एक व्हीकल थ्री किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है विदाउट अदर व्हीकल को क्रॉस किए हुए। जी, हमने ये मॉडल इसलिए बनाया है GST के लिए अवेयरनेस फैले लोगों में। GST को अभी लोग गलत सेंस में ले रहे हैं कि GST से हमारे काफी सारे टैक्सेस बढ़ गए हैं। इधर से सर्कट है, यहाँ से स्विच ऑन और ये प्योर एयर। मिस्टर देवीशीष चक्रवर्ती, आज बच्चों का इनोवेशन के लिए इतना उत्साह, इतना पैशन देखकर कैसा लग रहा है आपको? एक्चुअली लॉन्ग बैक आई रेड समथिंग दैट आइंस्टाइन आफ्टर विजिटिंग सच काइंड ऑफ ए थिंग्स ही हैज रिटन, दिस इज टफर देन माय E=MC² इक्वेशन। सो आफ्टर सीइंग दिस वाइब्रेटिंग यंगस्टर्स मेकिंग लॉट ऑफ इनोवेटिव मॉडल्स, वो जो बनाया, हमको लग रहा है कि देश आगे चलने वाला है। बहुत सारे इनोवेशन का एक छोटा सा केंद्र बिंदु बन गया है हिंदुस्तान कॉलेज। देश आगे चलेगा, यंग स्टूडेंट्स आगे चलेगा, सब मिलकर हम देश को बढ़ाएं। आपके अनुसार प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम में क्या सुधार चाहिए जिससे इनोवेशन को प्रोत्साहन मिले? दिस एजुकेशन सिस्टम नीड्स लिटिल बिट ऑफ रेडिफिकेशन, मॉडिफिकेशन इन टर्म्स ऑफ गिविंग मोर स्कोप टू द स्टूडेंट्स टू स्पीक। इनक्विजिटिव स्टूडेंट्स आर द बैकबोन ऑफ द कंट्री। सही कह रहे हैं आप। आज बच्चों के पास सब सुविधाएं हैं, इंटरनेट, मोबाइल, टीवी। क्या आपको लगता है कि इतनी सारी सुविधाएं छोटी उम्र में मिल जाने से इनोवेशन के लिए अच्छा नहीं है? आई डोंट थिंक सो, बिकॉज किड्स ऑफ एवरी जनरेशन व्हेन वी वर यंग चिल्ड्रन आल्सो बेसिकली वी हैव अनरिस्ट्रिक्टेड थॉट प्रोसेस। बच्चों का दिमाग जो होता है जी, वो किसी एक धारा में ही आप बांध के नहीं रह सकते हैं। उनके विचार हर एक तरफ फैलते हैं जी, और उनकी अनरिस्ट्रिक्टेड थॉट प्रोसेस की वजह से किसी भी युग में बच्चे, किड्स विल ऑलवेज बी स्मार्टर इन द प्रीवियस जनरेशन। बिल्कुल। तो नई टेक्नोलॉजी को, नई सोच को, नए विचार को बच्चे ही लाएंगे, आज भी, कल भी, परसों भी, 200 साल बाद भी, और ये कभी कम नहीं होगी। इनोवेशन विल बी देयर फॉर ऑल टाइम टू कम। इस अवसर पर हमारी बात हुई संस्थान के निदेशक डॉक्टर राजीव कुमार उपाध्याय से। डॉक्टर राजीव, हिंदुस्तान कॉलेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इनोवेशन डे एक पुरानी परंपरा है। ऐसे रचनात्मक और क्रिएटिव उत्सव भारत वर्ष के लिए कितने आवश्यक हैं? जैसा कि देखिए, अभी आप लोगों ने ये देखा कि बाहर जो लगभग 150 मॉडल्स प्रोजेक्ट जो बच्चों ने दिखाए, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि जो ADRDI के डायरेक्टर साहब थे, उनका ये कमेंट था कि बच्चों के अंदर इतना पोटेंशियल है, उतना उनका जो आइडिया है, अगर वो आइडिया रियलिटी में, अगर उसमें से 5 आइडियाज़ को भी अगर हम रियलिटी में कन्वर्ट कर दें, तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा एक कंट्री के लिए, एक सोसाइटल लेवल पे हम लोग एक काम कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजिंग दिस इनोवेशन डे इज टू प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म टू अवर स्टूडेंट वाई विच दे कैन शेयर देयर थॉट, दे कैन शेयर देयर आइडिया, बिकॉज वी नो दैट फैक्ट वी आर एंटरिंग इनटू अ स्ट्रेंज वर्ल्ड इन विच अ रैपिड चेंज विल ओनली बी द स्टेबल करेक्टर। डॉक्टर राजीव कहते हैं कि नीड इज द मदर ऑफ इनोवेशन। आज हमारे बच्चों के पास सब सहूलतें हैं, इंटरनेट है, गूगल है,
मोबाइल हैं, टेलीविजन हैं, क्या आपको लगता है कि अब कोई न्यूटन या आइंस्टाइन जैसा दुनिया में आएगा जो इनोवेशन करे? देखिए, वो मेरा इसमें मानना ये है कि ये जो सहूलियतें जो हमें मिली हैं वो डिपेंड इस पे करता है कि उन सहूलियतों को हम लोग कैसे इस्तेमाल अपने बच्चों को कराते हैं। अगर हम लोग अपने बच्चों पर एक क्लोज आईज अगर हम रख सकते हैं, अगर मेरा बेटा अगर मोबाइल यूज़ कर रहा है तो मुझे कहीं ना कहीं कैसे ये भी देखना पड़ेगा कि वो मोबाइल को कैसे यूज़ कर रहा है। आज की डेट में सुविधाओं का आलम यह है कि पहले जब कोई रिसर्च की बात होती थी तो आपको ये लगता था कि हमें आज IIT कानपुर जाना है, IIT खड़गपुर जाना है, वो किताब लेके आनी है, वो ये चीज़ करके लानी है। आज ऐसा समय है, वी आर इन अ एरा ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कहीं जाने की आपको आवश्यकता नहीं है, आपके पास घर पर इंटरनेट है। अगर आपके पास इंटरनेट है तो ग्लोब इज अ स्मॉल प्लेस फॉर यू, बट इट डिपेंड्स अपॉन योर माइंडसेट, इट डिपेंड अपॉन योर थॉट प्रोसेस, इट डिपेंड अपॉन योर ईगरनेस, इट डिपेंड्स अपॉन योर हंगर, कि आपका रिसर्च के लिए अगर भूख है आपको तो आप इन्हीं सुविधाओं को अच्छे से अच्छा इस्तेमाल करके और एक बहुत अच्छे लेवल का गुणवत्तापूर्ण रिसर्च आप कर सकते हैं। आप समाज को, आप अपने देश को, आप अपने प्रदेश को, आप अपने शहर को कुछ ऐसी चीजें दे सकते हैं जिस पे कि आप में गर्व किया जा सके। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में रुचि रखने वाले इतने सारे छात्रों को देखने के बाद अमरउजाला.com की टीम को पूरा भरोसा हो गया कि भारत में इनोवेशन का भविष्य सुरक्षित हाथों में है।